हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की जो फॉरेन एक्सचेंज रेट हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका लास्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं मैंने आपको बताया था तीन फंक्शन होते हैं ट्रांसफर फंक्शन क्रेडिट फंक्शन एंड हैजिंग फंक्शन अब जो ऑपरेशन होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में यानी कि जो ट्रांजेक्शन्स uh, होते हैं वो दो तरह के होते हैं एक होते हैं स्पॉट ट्रांजेक्शन एक होते हैं फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन जो स्पॉट ट्रांजेक्शन होते हैं वो स्पॉट मार्केट में होते हैं जो फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो फॉरवर्ड मार्केट में होते हैं अगर हम बात करें स्पॉट मार्केट की इसे हम करंट मार्केट भी कहते हैं इस मार्केट में क्या होता है बेटा कि जो करंट ट्रांजेक्शन्स हैं मतलब जो ट्रांजेक्शन डेली बेसिस के होते हैं कि आज कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और आज की आज ही उसका अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया बायर या सेलर के बीच में ठीक है वो ट्रांजेक्शन्स इस मार्केट में हेल्ड होते हैं स्पॉट मार्केट ऑफ फॉरन एक्सचेंज इज डेट मार्केट वेयर स्पॉट ट्रांजेक्शन्स आर हेल्ड और करंट ट्रांजेक्शन आर हेल्ड मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है सेलर के और बायर के बीच में और आज की आज ही वो करंट रेट ऑफ एक्सचेंज पे जो भी फॉरेन एक्सचेंज रेट चल रही है उस पर डीलिंग हो जाती है डॉलर की और रुपये की या कोई भी माल खरीदा या बेचा जा रहा है और आज ही उसकी पेमेंट और रिसिप्ट हो जाती है तो वो ट्रांजेक्शन किस में होंगे स्पॉट मार्केट में होंगे और स्पॉट मार्केट में जो रेट ऑफ़ एक्सचेंज चल रही होती है मतलब जिस रेट ऑफ़ एक्सचेंज पे स्पॉट मार्केट में ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस होते हैं उसे हम कहते हैं स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज ये स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज हर मिनट हर सेकंड चेंज होती रहती है ठीक है डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करते हुए किसी करेंसी की जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है किसी करेंसी की उस करेंसी का प्राइस बढ़ता जाता है सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम होता जाता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि डिमांड और सप्लाई का क्या इंपैक्ट पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे चेंज होने से या फॉरेन एक्सचेंज रेट पर उसका चेंज होने से क्या इंपैक्ट पड़ता है ठीक है तो कुल मिलाकर के स्पॉट मार्केट क्या होती है बेटा स्पॉट मार्केट में करंट ट्रांजेक्शन जो आज ही हो रहे हैं अभी की अभी एक्सरसाइज हो रहे हैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट किसी ने कुछ खरीदा और अभी पेमेंट हो गई फॉरेन एक्सचेंज की ठीक है या फॉरेन एक्सचेंज की जो स्पॉट पेमेंट होती है स्पॉट मींस फ्यूचर के लिए नहीं किया गया ट्रांजेक्शन तीन महीने बाद छः महीने बाद नहीं होगा आज की डेट में ही वो ट्रांजेक्शन एक्सरसाइज हो जाएगा ठीक है उसे कहते हैं हम स्पॉट ट्रांजेक्शन्स और वो सारे ट्रांजेक्शन जो मार्केट में होते हैं उसे हम स्पॉट मार्केट कहते हैं फॉरन एक्सचेंज की ठीक है और स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं इस मार्केट में जो रेट ऑफ़ एक्सचेंज चल रही होती है हम स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं यह क्वेश्चन कई बार अलग से पूछा जा सकता है आपसे कि वॉट इज स्पॉट रेट ऑफ़ एक्सचेंज तो ये होती है इट इज़ द करंट रेट ऑफ एक्सचेंज दैट प्रिवेल्स इन मार्केट एट द टाइम वैन ट्रांजेक्शन्स आर मेड जो करंट की एक्सचेंज रेट होती है कि जब आपने कोई ट्रांजेक्शन किया कोई चीज़ खरीदी या बेची विदेश से या करेंसी खरीदी या बेची तो किस रेट पर खरीदी या बेची वो होता है स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज एक होती है फॉरवर्ड मार्केट जो मैंने आपको बताया था क्रेडिट फंक्शन एंड हैजिंग फंक्शन में काम आती है फॉरन एक्सचेंज मार्केट में फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है कि बायर और सेलर ने आज कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेकिन वो एक्सरसाइज होना है तीन महीने बाद चार महीने बाद तो इसमें जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो उनकी जो डिलीवरी डेट होती है ट्रांजेक्शन तो आज हो गए लेकिन जो एक्सरसाइज होंगे वो डिलीवरी डेट जो होगी वो कि फ्यूचर की डेट होगी दो महीने तीन महीने छः महीने साल भर बाद की ठीक है और इस मार्केट में जो रेट ऑफ एक्सचेंज तय होती है मतलब जो वो डिसाइड करते हैं फ्यूचर के लिए कौन जो दोनों बायर एंड सेलर हैं करेंसी के उसे कहते हैं फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज क्या कहते हैं हम उसे फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज जो फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए फिक्स की गई है ठीक है अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि ये जो फॉरवर्ड मार्केट है क्यों एग्जिस्ट करती है सारे के सारे ट्रांजेक्शन करंट मार्केट में ही क्यों नहीं हो जाते या स्पॉट मार्केट में क्यों नहीं हो जाते है? पहली बात तो फॉरवर्ड मार्केट इसलिए भी एग्जिस्ट करती है क्योंकि बहुत सारा ट्रेड क्रेडिट बेसिस पे होता है और बहुत सारे ट्रांजेक्शन फ्यूचर को लेकर के होते हैं और दूसरा इसमें देखो एक रीज़न ये भी है टू अवॉइड द रिस्क ऑफ फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर हैं जब वो ट्रेड करते हैं एक दूसरे के साथ तो उनको रिस्क रहता है आपस में रेट ऑफ एक्सचेंज चेंज हो सकती है फ्यूचर में किसी डेट पे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था लास्ट वीडियो अगर आपने पढ़ा हो हैजिंग फंक्शन आप देख सकते हैं मेरे लास्ट वीडियो में ठीक है फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मैंने आपको बताया हुआ है रिस्क क्या होता है कि आज कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसी रेट पर एक्सरसाइज आज डॉलर का प्राइस वन डॉलर इज इक्वल टू सेवेंटी रुपीज़ है लेकिन फ्यूचर में वो एट्टी भी हो सकता है सिक्सटी भी हो सकता है तो उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए वो दोनों क्या कर लेते हैं फ्यूचर की कोई रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स कर लेते हैं और वो कहाँ फिक्स होगी फॉरवर्ड मार्केट में या फ्यूचर मार्केट में ठीक है कुछ लोग स्पेकुलेटिव गेन या प्रॉफिट कमाने के लिए भी ऐसा करते हैं कौन सी मार्केट में जाते हैं वो फॉरवर्ड मार्केट में क्यों क्योंकि उन्हें लगता है कि आज से कुछ टाइम बाद डॉलर की वैल्यू बढ़ने वाली है ऐसा अनुमान लगा लेते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखते हुए या करंट सिनेरियो को देखते हुए अपने अनुमान लगा लेते हैं एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं उसके बेसिस पे भी कुछ लोग क्या करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए फॉरवर्ड मार्केट में किसी चीज़ को खरीदते या बेचते हैं फॉरन एक्सचेंज को ख़रीदते या बेचते हैं जिससे उनको फ्यूचर में प्रॉफिट हो सके आज सस्ते दाम पर ख़रीद लिया फ्यूचर में महंगे दाम पर बेच दिया ठीक है वो होगा कैसे वो होगा फॉरवर्ड मार्केट में वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उनका कि उनको कोई चीज़ फ्यूचर में बेचनी है या खरीदनी है तो वो कहाँ होगी फॉरवर्ड मार्केट में ठीक है और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हैजिंग होती है जिसमें रिस्क मिनिमाइज करते हैं दोनों बायर एंड सेलर इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर वो केवल फॉरवर्ड मार्केट में पॉसिबल होती है स्पॉट मार्केट में हैजिंग पॉसिबल नहीं होती है ये एक डिफरेंस भी है ठीक है तो ये आपको याद रखना है दो तीन इसमें डिफरेंस भी हो बना सकते हो आप खुद से चाहो तो क्या डिफरेंस बना सकते हो जो स्पॉट मार्केट होती है उसमें स्पॉट ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो फॉरवर्ड मार्केट होती है उसमें फ्यूचर ट्रांजेक्शन होते हैं स्पॉट मार्केट में हेजिंग पॉसिबल नहीं होती है फॉरवर्ड मार्केट में हैजिंग पॉसिबल होती है सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉरन एक्सचेंज रेट मैंने आपको बता दिया है फॉरन एक्सचेंज रेट क्या होती है लास्ट के कुछ वीडियोज़ में फ्लैक्जिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बताया था फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम बताया था मैनेज फ्लोटिंग बताई थी फॉरन एक्सचेंज मार्केट बताया उसके फंक्शन बताए अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं और लास्ट के वीडियोज़ भी आप जाकर देख सकते हैं वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकनॉमिक्स